जनपद बाराबंकी के मसौली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बजहा लसबर में नालियों को लेकर लोग परेशान हैं। यह नाला दूध डेयरी से होकर के प्राथमिक विद्यालय के पास में होकर के तालाब में जाने के लिए खुद रहा है, परंतु आसपास के लोग इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि नाले में जो गंदा पानी आएगा उससे हमारे घर के लोगों को या हम सबको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ग्राम प्रधान व गाँव के कुछ लोगों ने रोका और ग्राम प्रधान विनय कुमार वर्मा ने कहा कि जब नाला नक्शे पर नहीं है तो अवैध नाला नहीं खुदेगा और डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें गांव के टिल्लू रामतीरथ वर्मा, उमेश चंद्र छोटेलाल, दिनेश चंद्र, दिलीप कुमार, बबलू, सुमिरन व ग्राम प्रधान व प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक सहित काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और नाला न खुदने के लिए आक्रोश जताया है। एईजेड न्यूज के लिए विशाल गुप्ता के साथ राकेश पटेल, बाराबंकी। जी, और इसमें जो गोबर बहेगा उससे गंदगियां फैलेंगी। जी, नाला जब नक्सम नहीं है तो ना खुदना चाहिए। अवैध खुद रहा है, नहीं हमारे बच्चों को नुकसान देगा, इसलिए कि यहाँ पर से जब गंदा पानी आएगा तो बीमारियाँ फैलेंगी। बीमारियाँ फैलेंगी तो हमारे बच्चों को नुकसान। तालाब से ना, बच्चे बिल्कुल हमारे करीब है, तालाब से 10 जो है मीटर का मीटर की दूरी रेंज है। ये तालाब है सर, ये तालाब है और ये यहाँ से नाला आएगा, इसके बगल में पीछे से नाला आएगा और ये जस्ट स्कूल है जहाँ सरकारी स्कूल है। यहाँ पब्लिक को बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन नाला जो है ज़बरदस्ती खुदवाया जा रहा है, सबसे मिली भगत हुई है।